रिसीट हमने दे दी है यहाँ पे, अभी वेट करते हैं आने का अपनी प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो अगले दिन की सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। अभी बजे 12:30 और 12:30 बजे हम लोग अभी निकल रहे हैं। लॉन मोवर कल का जो टास्क अधूरा था वो पूरा करने के लिए, मतलब हम लोगों ने देख लिया है कि कौन सा लेना है, कौन सा हमको ज़्यादा सूट करेगा हमारे बैकयार्ड और जो फ्रंट यार्ड है उसके हिसाब से। तो हम लोग अभी वही लेने के लिए जा रहे हैं, हमने फाइनल कर दिया है, अभी बस पिक करने जाना है, तो वही उठाने चलते हैं चलो। और फिर आप लोगों को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि कौन सा वाला हमने लिया है और क्यों लिया है। तो चलो अभी निकलते हैं। बाकी वेदर आज -2 है और बहुत सनी है, तो अभी तो सनी ही रहेगा, अच्छा है। और कल से प्लस में अच्छा वाला वेदर रहने वाला है, मतलब आज ही +2 होने वाला है, बट कल से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा। चलो अभी चलते हैं कैनेडियन डायर। हमने होम डेपो भी ट्राई कर लिया, रोना भी गए थे हम लोग, लेकिन हर जगह पे प्राइस वगैरह चेक करने के बाद और प्रोडक्ट भी चेक करने के बाद हमने कैनेडियन टायर से लेने का फाइनल किया है। तो चलते हैं अभी कैनेडियन टायर, वहाँ स्टॉक में अभी 40 दिखा रहा है और ये टाइम है जब पे बहुत ही जल्दी ये सारा सामान निकलता है, तो हमको ले लेना है अभी, क्योंकि फिर वो ख़त्म हो जाते हैं और प्राइस भी बहुत ही फ्लक्चुएट होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे MRP वाला कोई सिस्टम रहता नहीं है। तो लास्ट टाइम मैंने जो रोना में देखा था उसका प्राइस आज चेंज हो गया, $100 अब चल रहा है, तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है अभी चलते हैं कैनेडियन टायर, मिलते हैं वहाँ पहुँच के। चलो पहुँच चुके हैं कैनेडियन टायर फिर से। चलो बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर है और ये लोग आगे आगे भाग रहे हैं क्योंकि ये दोनों को ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आ गए कल वाले फिर से सेक्शन में, आ गए स्नो ब्लोअर नहीं लॉन मोवर वाले सेक्शन में, अभी भी दिमाग में स्नो ब्लोअर ही चल रहा है। चलो ठीक है, ये वाला देख रहे हैं अभी, अच्छा है और रिव्यूज़ भी देखे हमने, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो ये वाला फाइनल करने का सोच रहे हैं। पूरा कॉम्बो देख रहे हैं, ये देखेंगे और एज कटर भी देखना है, तो एज कटर भी साथ में ले ही लेते हैं, एज ट्रिमर। ये सारे ट्रिमर्स हैं, ग्रास ट्रिमर्स, ये भी लेना है। ऑलराइट, सो एक चीज़ हमने यहाँ से ले ली है और लॉन मूवर हमको वेयर हाउस से पिक करना है, तो अभी चल रहे हैं वेयर हाउस, वहाँ से उठा लेंगे, पेमेंट सारा कुछ यहीं पे होगा। तो ये भूल गए थे, ये लाइन इसके लिए ज़रूरी है, यहाँ पे नीचे लगेगी। और अभी कोड लेने चलते हैं, चलो एक्सटेंशन कोड। तो ये सारे एक्सटेंशन कोड्स हैं, हमको चाहिए 50 फीट वाला इनफ है, तो ये वाला ले लेते हैं, चलो 50 फीट। तो अभी हम लोगों ने ले लिया है ये दो, अभी वहाँ जाके देख लेते हैं प्लग इन करके कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है, उसके हिसाब से फिर एक रखेंगे और एक को यहाँ पे रख देंगे, मतलब एक हम रखेंगे एक कैनेडियन टायर रखेगा। और फिर ये पिक करने जाना है तो वेयर हाउस चलेंगे, वहाँ से पिक करके आ जाएंगे, पेमेंट यहीं पे करना है, तो रिसीट जाके वहाँ दिखानी है बस, वहाँ रेडी है, अभी बॉक्स निकाल के रखा है, भाई ने फ़ोन किया था, तो वहाँ जाके पिक करके आ जाएंगे, जस्ट 2 ब्लॉक दूरी है, दूसरी स्ट्रीट पे ही जाना है बाजू में। चलो एक काम ख़त्म, बहुत ज़्यादा है अभी, ये लेके रखते हैं गाड़ी में, फिर चलते हैं उसके वेयर हाउस में, यहीं पे पीछे सोबेस के पीछे। अभी हम लोग प्रेस्टन वाले हैं कैनेडियन टायर में, तो सब कुछ नज़दीक नज़दीक ही, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया हुआ है ये, तो ठीक है अभी चलते हैं और लेके आते हैं। तो ये है कस्टमर पिकअप कैनेडियन टायर का, ये सोबेस और जस्ट उसके पीछे ही है, बाकी यहाँ पे देखो अभी कहाँ आ गए, ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। चलो अभी ठीक है अंदर चलते हैं और पिक करके निकलते हैं। तो ये आ चुके हैं अंदर, अभी यहाँ से पिक करेंगे, ये सिस्टम पता नहीं है, ये ऑर्डर वाला सिस्टम है, तो यहाँ से स्कैन एंड पिकअप।
लॉकर वाला पिकअप लिया है, तो अभी इसका कोई आइडिया है नहीं मुझे इतना, बट हमारा यहाँ से फिजिकली हो रहा है काम। चलो रिसीट हमने दे दी है यहाँ पे, अभी वेट करते हैं आने का अपनी प्रोडक्ट। बाकी बहुत बड़ा वेयरहाउस है, बहुत बड़ा। என்ன டிசிட் பண்ணுறீங்க? चलो सामान ले लिया है, अभी चलते हैं घर। मतलब लॉन मोवर का काम खत्म, अभी गार्डनिंग का पूरा सामान जो लाना था वो आ चुका है। अभी नेक्स्ट विंटर में स्नो ब्लोअर का काम पेंडिंग है, बाकी सारा कुछ आ चुका है। चलो अभी चलते हैं घर, घर चल के ये सब अनपैक करके देखेंगे। मतलब एक्साइटेड, अभी हम लोग करेंगे रियल कनाडा का गार्डनिंग एक्सपीरियंस। राइट, सो घर पे आ चुके हैं। चलो अभी बाहर भी एक जगह जाना है, तो इसलिए गाड़ी बाहर ही रखी है मैंने। अभी स्नो ब्लोअर और लॉन मूवर और ये सब अंदर ही है, मैंने निकाला नहीं है। बाकी कॉर्ड हम लोग लेके आए हैं 50 फीट का, 50 फीट, तो देखते हैं अभी 50 फीट का हो जाना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं हुआ तो एक और एक्सटेंशन कॉर्ड ले आएंगे। चलो अभी वेदर अच्छा है, बाहर लोग दिखाई देना स्टार्ट हो गए चलो बैकयार्ड में, तो ये अच्छी बात है। और एक दो दिन की बात है, उसके बाद तो +20 होने वाला है, तो ठीक है। अभी फिलहाल अभी के लिए तो यही हालत है बाहर। स्नो धीरे धीरे से मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखो ग्रास आपको दिख रही होगी, हल्की फुल्की ग्रास दिखा रही दे रही है, बाहर आ गई है, पानी पानी है उस साइड पे। यहाँ पे जो स्नो है यही दिक्कत है, अभी ये निकलने में थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा, बाकी ये सब तो मेल्ट हो ही रही है अभी।